Assalamu alaikum. So almost all participants have joined. Okay, so let's start the class. So last time we have taught you alkene reactions. And in that, after two homonuclear addition reactions, which was hydrogen and halogen, we have two hydronuclear reactions, which was halogen acid and hypohalous acid. And the special thing was that in both of them हमने एक मार्कोनिकोफ रूल फॉलो करवाया था और फिर यहाँ तक हमने टेस्ट भी ले लिया है. तो अब इसी से कंटिन्यू करते हैं कुछ और ऐसी एग्जांपल्स जिनमें हाइपोहैलोस जिसमें हिड्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल ही ऐड हो रहा है और इसी तरह मार्कोनिकोफ रूल फॉलो हो रहा है. तो हमारा पांचवा टोटल एडिशन रिएक्शन है और हिड्रोन्यूक्लियर में ये तीसरी एग्जाम्पल होगी लेकिन ओवरऑल पांचवी और ये कहलाती है एडिशन ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन वाटर. एडिशन ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन वाटर. अब ये क्या है जैसे बताना है ये क्लोरीन वाटर क्या होता है ब्रोमीन वाटर. ये पूरा यूं है क्लोरीन वाटर एंड ब्रोमीन वाटर. एडिशन ऑफ क्लोरीन वाटर एंड ब्रोमीन वाटर ऐसे कर लेते हैं. तो भाई सिर्फ ये बता दूं ना कि क्लोरीन वाटर क्या होता है तो रिएक्शन भी पढ़ाने की जरूरत नहीं रहेगी. ऐसा क्या भाई क्लोरीन वाटर नाम से ही जाहिर है क्लोरीन डिजोल्व इन वाटर. ये क्लोरीन का एक्वस सोल्यूशन है. जब आप क्लोरीन को पानी में डालते हैं तो क्लोरीन पानी से रिएक्शन करके बनाता है HCl और HOCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड. किस्सा खत्म. इसका मतलब है अगर आप ये कहें कि क्लोरीन वाटर को अल्कीन में ऐड कीजिए तो आप दरअसल ये कह रहे हैं कि HCl ऐड कीजिए और HOCl ऐड कीजिए. दोनों पढ़ चुके हैं आप. इसका मतलब है जो आपने रिएक्शन 3 और 4 पढ़ा एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड और एडिशन ऑफ हाइपोहैलोस एसिड. अब हम उन्हीं एसिड्स दोनों को नए नाम से ले आए हैं. तो जब मैं कह रहा हूँ क्लोरीन वाटर तो इससे मुराद है HCl और HOCl और इन दोनों का रिएक्शन आप एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड और एडिशन ऑफ हाइपोहैलोस एसिड में पढ़ चुके हैं. इसी तरह जब मैं कहूंगा ब्रोमीन वाटर तो अब तो ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्या है. तो ब्रोमीन वाटर ब्रोमीन गैस डिजोल्व इन वाटर एक्वस ब्रोमीन और ये जब पानी में जाता है तो HBr और HOBr बनाता है. तो हम ये दोनों रिएक्शंस पिछली दो हेडिंग्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. तो इसका मतलब है नए नाम से हमने इन्हें रिपीट किया है तो कोई नई बात तो नहीं कर रहे. सिर्फ अब ये बताना है कि अगर इम्तिहान वाले आपसे कहें कि आप क्लोरीन वाटर का रिएक्शन अल्कीन में दिखाइए या ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन दिखाइए तो आपको क्या करना है. आपको दरअसल पहली एक इक्वेशन ये बताने के लिए लिखनी है कि क्लोरीन वाटर होता क्या है या ब्रोमीन वाटर होता क्या है और फिर उसके बाद एक रिएक्शन में HCl से रिएक्शन दिखाइए एक में HOCl से. इसका मतलब है क्लोरीन वाटर का रिएक्शन दरअसल 3 इक्वेशंस का सेट होगा. इसी तरह ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन में भी 3 इक्वेशंस लिखेंगे आप. तो अगर मैं अब जनरल इक्वेशन लिखूं आफ्टर टेलिंग यू दैट व्हाट इज क्लोरीन वाटर तो मेरा ख्याल में ये फॉर्मेलिटी है सिर्फ. तो ये है अल्कीन और अगर मैं कहूं इसमें HCl ऐड किया है तो आपको अंदाजा ही रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं. डबल बॉन्ड खत्म होगा एक कार्बन के साथ H और एक कार्बन के साथ Cl. और अगर मैं यही रिएक्शन HOCl के साथ लिखूंगा तो वो ऐसे बन जाएगा डबल बॉन्ड खत्म एक कार्बन के साथ OH और एक कार्बन के साथ क्लोरीन. और अब अगर मैं इसकी एग्जांपल बनाऊं तो जाहिर सी बात है सिर्फ एक तरह से आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि आपको समझ आए क्या है वरना ये सब आप खुद लिख सकते हैं. इथीन के साथ क्लोरीन वाटर तो लिख दिया ऊपर मैंने क्या है तो HCl ऐड करें इक्वेशन ऑलरेडी आप लिख चुके हैं क्लोरो इथेन बन जाएगा. इसी तरह जब मैं
एच ओ सी एल के साथ यही एडिशन शो करूंगा। तो एक कार्बन के साथ ओ एच लगेगा और एक के साथ सी एल। हायर एल्कीन के साथ करूंगा तो मार्कोनिक ऑफ रूल अप्लाई होगा, तो अब वो एब्सोल्युटली अननेसेसरी बिकॉज वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो यहाँ तो सिर्फ ये बताना है कि क्लोरीन वाटर का मतलब क्या था। टू क्लोरो वन इथेनॉल इस प्रोडक्ट का नाम है। ब्रोमीन वाटर में आप यही काम करेंगे, बस फर्क ये पड़ जाएगा कि अब वहां क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ जाएगा। तो पहले एच बी आर के साथ रिएक्शन है। अब जो मैं ये फिर भी लिख रहा हूँ ये समझते जानते हुए भी कि ये तो सब अभी किया है, बस नाम ही तो चेंज हुआ है, तो उसकी सिर्फ एक वजह है और वो ये है कि आप इस बहाने इक्वेशंस लिखने की आदत डेवलप करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। खास तौर पर अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है और ये रिएक्शन तो आपने टेस्ट के लिए अभी भी याद ही है, तो फिर उन्हीं को दोबारा लिखने के लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और वो लिखना इसलिए जरूरी है कि इस बहाने रिएक्शन लिखने की आदत डलती है, और जितनी अच्छी आदत डेवलप होगी उतना ही हमारे लिए बेहतर है। तो अब मैंने ब्रोमीन के साथ भी एग्जांपल मेंशन कर दूं अगर, सो इफ इथीन रिएक्ट्स विद एचबीआर इट गिव्स ब्रोमो इथेन एंड सेम इथीन रिएक्ट्स विद एचओबीआर It is two bromo, one ethanol. Now, अब इसमें एक आखिरी छोटी सी बात याद रखेंगे जिसकी वजाहत आगे आनी है अभी इसी रिएक्शन के अख्तिताम पर। क्लोरीन पानी में डिजॉल्व होता है तो एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनता है, और जब ब्रोमीन पानी में डिजॉल्व होता है तो एक ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन बनता है। इसका मतलब ब्रोमीन वाटर इज अ कलर्ड सॉल्यूशन। इस बात की क्या अहमियत है ये मैंने जैसे कहा आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द रिएक्शन इट विल बी डिस्कस इन अ क्वाइट अ गुड डिटेल। तो अब आपके सामने ये हो गया पांचवा रिएक्शन, कहने को पांचवा हो गया लेकिन अगर आप इस बात को रियलाइज करें तो ये पांचवा रिएक्शन दरअसल रिएक्शन थ्री और फोर का कंबाइन इफेक्ट है। एक नए नाम के साथ हमने रिएक्शन थ्री और फोर को रिपीट किया है। यस यू कैन ऑल्सो से दैट कि वाई नॉट आयोडीन वाटर, ज़ाहिर सी बात है वो भी फिर एच आई और एच ओ आई का मिक्सचर होगा। बिल्कुल है, बस सिर्फ फ्लोरीन नहीं हो सकता क्योंकि एच ओ एफ नहीं होता, डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ किताब में आयोडीन वाटर को नहीं डिस्कस किया इसलिए हमने भी उसे गोल कर दिया। और सिर्फ क्लोरीन वाटर ब्रोमीन वाटर का तस्करा है क्योंकि ये कॉमनली इस्तेमाल होते हैं जरा लैब में ज्यादा। और इसकी मैंने जैसे कहा एक अहमियत और है जो हम जरा आगे बताएंगे कुछ बातों के गुजरने के बाद। अब आते हैं जनाब छठे रिएक्शन पे। अगेन जस्ट फॉर्मेलिटी, अब कोई नई बात नहीं आनी, अब बिल्कुल वही बात है जो मैंने शुरू में कही थी कि एक ही अंदाज के रिएक्शन की कई एग्जाम्पल्स हम करेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। तो अब वो जो अंदाज था वो आपकी समझ में आ गया कि बस आपको ये समझना था कि दो होमोन्यूक्लियर थे वो ज़रा ज़्यादा आसान थे, और अब जो हाइड्रोन्यूक्लियर आ रहे हैं चाहे जो भी उनका नाम है उसमें बस मार्कोनिक ऑफ रूल इस्तेमाल होगा। तो हमारा टोटल छठा रिएक्शन ये है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। तो अब जनरल इक्वेशन अच्छा वाटर में हम सबको पता है ऐसे लिख दूं, एच एक तरफ होता है और ओ एच एक तरफ होता है। तो अब सिंपल बात, अभी थोड़ी देर पहले जो हाइड्रोन्यूक्लियर एडिशंस किए थे वैसा ही है, आप डबल बॉन्ड खत्म करेंगे और कार्बन के दो वैलेंसीज जो खाली होंगी एक के साथ एच लगा दीजिए और एक के साथ ओ एच लगा दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि आपका अल्कीन वाटर ऐड करके अल्कोहल बन गया है।
बिल्कुल सही हो गई बात। और रिएक्शन रिवर्सिबल है, और आपको फौरन याद आएगा, हाँ सर रिवर्सिबल होना भी चाहिए, क्योंकि जब हमने अल्कीन का पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था तो उसमें ये बात आई थी कि अल्कोहल में से वाटर निकाल दें यानी डिहाइड्रेशन कर दें तो उससे अल्कीन बनता है। तो ये उसी रिएक्शन का जिससे आपने अल्कीन बनाया था सबसे पहला, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये उसी का रिवर्स रिएक्शन है। तभी तो रिवर्सिबल लगाना जरूरी है कि अल्कीन वाटर ऐड करके हाइड्रेशन करता है, तो इसका मतलब है एडिशन ऑफ वाटर को आप कह सकते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, तो उससे अल्कोहल बनता है, और जब अल्कोहल से डिहाइड्रेशन करता है तो वापस अल्कीन बनता है। अच्छा, अब इस रिएक्शन की शर्त में हम यहाँ लिखते हैं एच प्लस। ऐसे लिखने का मतलब होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, तो डाइल्यूट एसिड की मौजूदगी में अल्कीन वाटर ऐड करके अल्कोहल बनाता है। अब जरा याद कीजिए डिहाइड्रेशन कैसे होती थी। डिहाइड्रेशन के लिए हम कोई सूटेबल डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते थे, जिसके बारे में तय हो गया था कि ऑप्शंस तो हैं लेकिन सबसे अच्छा और सूटेबल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड, और वो भी कंसंट्रेटेड। तो इस तरह एक बड़ी अच्छी सी बात ये बनती है कि अगर हम हाइड्रेशन में जो एसिड यूज कर रहे हैं वो भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज करें अगर, तो फिर कहानी ये होगी कि जब वो सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट होगा यानी उसमें ज्यादा पानी होगा तो अल्कीन वाटर ऐड करके अल्कोहल बनाएगा, और अगर वो एसिड कंसंट्रेटेड होगा तो फिर अल्कोहल डिहाइड्रेशन करके अल्कीन बनाएगा। तो इसका मतलब है ये दोनों रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हो सकते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन कंट्रोल करके हम रिएक्शन की डायरेक्शन तय कर लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड इट विल ऑलवेज परफॉर्म एडिशन ऑफ वाटर, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इट ऑलवेज डू द डिहाइड्रेशन। तो अभी फिलहाल चूंकि हम हाइड्रेशन पर बात कर रहे हैं तो फोकस उसी पे रखते हैं और एग्जाम्पल लिखते हैं इसकी। इथीन में फायदे की बात यह है कि बस आप वाटर का एच या ओ एच लेफ्ट या राइट किसी भी कार्बन के साथ लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इथेनॉल ही बनेगा। अलबत्ता जब आप हायर अल्कीन्स लेंगे तो आपको मार्कोनिकोफ रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसकी हमें ऑलरेडी आदत है। ये हो गया इथेनॉल फॉर इथीन। तो अब अगला है, अगर मैं प्रोपीन यूज कर लूं, अब मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेड मॉलिक्यूल ऑलवेज अटैच टू द कार्बन व्हिच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कल ही टेस्ट दे चुके हैं आप। तो यहाँ ओ एच है पार्शियल नेगेटिव और एच होता है पॉजिटिव वाटर में। तो अब जो दो कार्बन आपको नजर आ रहे हैं डबल बॉन्ड वाले, एक सी एच है और एक सी एच टू है, तो जिसमें कम हाइड्रोजन है यानी सी एच उसके साथ ओ एच लगेगा, और जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है यानी सी एच टू उसके साथ एच लगेगा। सो मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे। Which is 2-propanol. तो ये एक और हो गया रिएक्शन हिड्रोन्यूक्लियर की एग्जाम्पल में। और अब हमारा सातवां और आखिरी, टोटल पांचवा हिड्रोन्यूक्लियर है, और एडिशन के हिसाब से ये इट्स अ सेवेंथ वन। तो ये है एडिशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। फिर उसी तरह हम जनरल इक्वेशन की बात करें, कोई भी अल्कीन जब सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम यहां ऐसे लिख सकते हैं, तो H एक तरफ और OSO3H जिसको हम हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं वो एक तरफ, तो क्या बनना चाहिए, डबल बॉन्ड खत्म, एक कार्बन के साथ H और एक के साथ OSO3H, इसको हम अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट कहेंगे। तो अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल बनाते हैं और इथीन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन शो करें तो ये बनाएगा इस तरह।
is ethyl hydrogen sulfate. अब इसमें भी अगर आप हायर अल्कोहल्स में जाते हैं तो ऑब्वियसली वहां भी आपको इसी तरह हायर अल्कोहल में मार्कोनिक और फ्यूल इस्तेमाल, हायर अल्कीन में मार्कोनिक और फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी हम कई दफा कर चुके हैं. सो अंदाजा हो रहा है कि खासतौर पर ये आखिरी दोनों जस्ट अ फॉर्मेलिटी, सिर्फ हमने आपको नए नए मॉलिक्यूल्स शो कर दिए जो कि हेटरोन्यूक्लियर स्टाइल के थे, कि जिसमें दो जो जब ब्रेक होते हैं तो दो अलग अलग ग्रुप ऑफ एटम्स बनाते हैं, एक एक कार्बन के साथ लगे और एक दूसरे कार्बन के साथ. तो अब ये हो गई टोटल 7 एग्जांपल फॉर दी एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन फॉलोड बाय हैलोजन्स, दे बोथ वर होमोन्यूक्लियर, एंड देन हैलोजन एसिड, हाइपोहैलोस एसिड, और जो आज हमने किए क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, सिंपल वाटर, और अब सल्फ्यूरिक एसिड. तो पहली दफा करना, जहर सी बात है, हर एक की छोटी छोटी डिटेल्स थी जो हमने आपसे शेयर की, लेकिन अब ओवरऑल जब आप उसे पूरा याद करेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये एक ही रिएक्शन है जिसको हमने उस जनरल पैटर्न पे लिखा था जब हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन की हेडिंग डाली थी, जिसकी 7 अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं. ये ठीक है कि उन एग्जाम्पल्स में जैसे हेड्रोन्यूक्लियर आया तो मार्कोनिक ऑफ रूल लग गया, और इसके अलावा छोटी छोटी कुछ एक्सप्लेनेशंस आ गई, लेकिन ओवरऑल एक ही पैटर्न पर ये 7 एग्जाम्पल्स थी. बात अभी पूरी नहीं हुई है, ये एडिशन रिएक्शंस की 7 एग्जाम्पल्स है. अब हमारे पास जो रिएक्शन नंबर 2 है, ये नंबर 1 रिएक्शन था एडिशन और उसकी 7 एग्जाम्पल्स थी. अब रिएक्शन नंबर 2 है, यानी इसका मतलब है ये एडिशन रिएक्शन नहीं है, ये एक नई कैटेगरी का रिएक्शन है, और ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स. दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स. तो अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स का क्या मतलब है? अल्कीन को ऑक्सीडाइज करें, और उसके लिए क्या करना होता है? किसी ना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करना होता है. नाउ अब ये एक नया गेट ओपन हुआ है रिएक्शंस का, क्योंकि अभी तक जो बातें आपसे हुई हैं उसके हिसाब से एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के नाम से वाकिफ हुए आप, एक एडिशन के नाम से वाकिफ हुए. शुरू में ही जब मैंने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डिफरेंस लिखाना शुरू किया था तो उसमें ये पॉइंट लिखा था कि जो सैचुरेटेड होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स वो सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं, जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो वो एडिशन दिखाते हैं. और अब तो उनको एग्जाम्पल्स के साथ भी देख लिया, अल्केन में आपने हैलोजनेशन ऑफ अल्केन के नाम से सब्स्टिट्यूशन भी की, और अब यहाँ पर आपने इतने सारे एडिशन भी कर दिए. इसी तरह अल्कीन के बनने के प्रोसेस के दौरान एक लफ्ज एलिमिनेशन रिएक्शन का भी इस्तेमाल हुआ. तो ये 3 बड़े बड़े नाम आ गए, आगे भी आते रहेंगे. अब एक चौथा नाम आ गया और वो है ऑक्सीडेशन. बाय द वे रिडक्शन ऑलरेडी आया हुआ है रिएक्शन विद हाइड्रोजन के नाम से. तो अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन आ गया, तो अब आगे भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन होगी. हमें ये याद रखना है कि वैसे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन खासतौर पर जिस डेफिनेशन के पस मंजर में हम ऑर्गेनिक में ये रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें रिडक्शन से हमेशा मुराद होगी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोजन से रिएक्शन. तो ऑक्सीडेशन से हमेशा मुराद ली जाएगी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीजन से रिएक्शन. तो अभी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे ये वो कंपाउंड होंगे जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे नेसेंट एटॉमिक ऑक्सीजन की शक्ल में. अब कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑर्गेनिक में अमूमन इस्तेमाल होते हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो दो बड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम खास तौर पर और बार बार इस्तेमाल करेंगे उनमें से एक है पोटेशियम परमैंगनेट. अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर प्रैक्टिकल्स का एग्जाम नहीं हुआ, और बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल्स करते ही तब है जब वो एग्जाम के दिनों में उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है, पूरे साल नहीं करते तो उनको तो खैर नहीं पता चला. अलबत्ता जिन्होंने प्रैक्टिकल्स थोड़े बहुत कॉलेजेस में किए होंगे ड्यूरिंग द ईयर तो उन्होंने ये नाम सुना होगा. फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स में टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल्स के अंदर एक प्रैक्टिकल था रिडॉक्स टाइट्रेशन का, उसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट नाम के एक केमिकल को जिसका कलर पर्पल होता है KMnO4 इसका फॉर्मूला है उसे यूज करते थे. ये बड़ा मशहूर और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑर्गेनिक में हम इसे बार बार इस्तेमाल करेंगे और अभी भी उसी को यूज करने जा रहे हैं. इसके अलावा एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 जिसे हम आगे के चैप्टर्स में यूज करेंगे. तो फिलहाल अभी उसकी बात नहीं करते, अभी फोकस के MnO4 पे रखते हैं. तो इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि दिस ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन इज बेसिकली रिएक्शन विद
KMnO4। अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि तमाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब किसी भी और कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो उनका ये एक्शन, उनका ये रिएक्शन बहुत हद तक इस बात पे डिपेंड करता है कि पीएच क्या है सॉल्यूशन की। आया सॉल्यूशन जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है वो एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। तो हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कारकर्दगी पर इस बात का बड़ा गहरा असर है कि वो एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कर रहा है या बेसिक मीडियम में रिएक्ट कर रहा है। तो फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन यू आर टेकिंग KMnO4 इन ए बेसिक मीडियम दैट इज अल्कलाइन KMnO4। अल्कली और बेस एक ही चीज का नाम है, जो पानी में डिजोल्व हो जाए बेस वो अल्कली कहलाती है, इसलिए अल्कलाइन KMnO4। तो ये पूरा नाम लिखने से आपको दो मैसेज मिल गए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और वो पीएच जो है वो बेसिक मीडियम में है, तो अल्कलाइन है यानी बेसिक मीडियम में रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, अब आए असल बात की तरफ। ये तो हो गई सारी कहानी, और वो असल बात ये है क्योंकि ऑर्गेनिक के रिएक्शंस के अपने बड़े अच्छे अच्छे मसाइल हैं, कुछ तो आपने देख लिए कुछ अभी आगे आने वाले हैं। तो यहाँ पहली दफा हम एक अच्छी बात करने जा रहे हैं, मुश्किलात नहीं बल्कि आसानी पैदा करने जा रहे हैं। और वो क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अमूमन जब रिएक्शन करते हैं, मैं फिर वही बात कहूंगा कि मेरा नहीं ख्याल हम में से किसी को भी ये एक्सपीरियंस याद रहा हो सकता है जनरल वनरल बनाते वक्त याद हो, फर्स्ट ईयर में जब KMnO4 के रिएक्शंस थे और जनरल बनाते हुए किसी ने लिखे हों और जहन में आ रहे हों, बहुत लंबी चौड़ी इक्वेशंस होती हैं। ऑक्सीडाइजिंग इक्वेशंस बड़ी मुश्किल और उसमें दो दो तीन तीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स और बहुत लंबी चौड़ी बैलेंसिंग होती है उनकी। तो यहाँ हमने एक अच्छी बात ये रखी है कि जब हम ऑर्गेनिक में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिखते हैं तो इन कॉम्प्लिकेशन से अवॉइड करने के लिए हम वो इक्वेशन शॉर्ट फॉर्मेट पर लिखते हैं। दैट इज ऑफिशियल, ये ना मैं आपके लिए कोई आसानी पैदा कर रहा हूँ और ना ही ये कोई चोर रास्ता है। दिस इज एन ऑफिशियल वे जो सिर्फ आप ही के नहीं पूरी दुनिया के सिलेबस में फॉलो होता है कि हम ऑर्गेनिक में ऑक्सीडेशन की कंप्लीट इक्वेशंस लिखने के बजाय, अनटिल एंड अनलेस हमें किसी और काम के लिए लिखनी जरूरी हो तो और बात है, अदरवाइज हम उन इक्वेशंस को शॉर्ट फॉर्मेट में लिखते हैं, जिसका तकाजा ये है कि हमारा फोकस ऑर्गेनिक कंपाउंड पर होगा कि वो ऑक्सीडेशन करके क्या चीज बना रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन के नतीजे में किन चीजों में कन्वर्ट हो रहा है और कौन कौन से साइड प्रोडक्ट बना रहा है उसे हम इग्नोर कर देंगे। इसका मतलब है जब हम ऑक्सीडेशन की इक्वेशन लिखेंगे तो हम रिएक्टेंट में अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करेंगे और बताएंगे वो किस कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, दैट्स इट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हालांकि प्रॉपर रिएक्टेंट है, वो रिएक्शन में हिस्सा लेता है, अपने आप को खत्म करता है और पता नहीं क्या क्या चीजें बना लेता है, हम उसे एरो पे शो करेंगे और इक्वेशन में उसका क्या हशर हुआ उसे डिस्कस नहीं करेंगे। इससे हमारी इक्वेशन छोटी हो जाएगी और आसान हो जाएगी। तो रिएक्शन को लिखते वक्त हम सिर्फ इतना करेंगे कि शो करेंगे कि हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने नेसेंट या एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोवाइड की रिएक्शन के लिए, और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम कहीं कहीं वाटर मॉलिक्यूल भी इस्तेमाल करेंगे। इस तरह एक शॉर्ट फॉर्मेट की इक्वेशन बनेगी। आइए देखते हैं कैसा शॉर्ट फॉर्मेट। तो अब इस शॉर्ट फॉर्मेट में अगर हम इक्वेशन लिखते हैं अल्कीन के लिए, तो तमाम अल्कीन्स जब कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 से बेसिक मीडियम में रिएक्शन करते हैं तो इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है कि दे रिएक्ट विद नेसेंट ऑक्सीजन। और ये जो वाटर में लिख रहा हूं ये सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, अगर जरूरत पड़े तो लिखा जाता है वरना नहीं, क्योंकि ये बात तो अंडरस्टूड है सारी चीजें वाटर में ही रिएक्ट कर रही हैं, लेकिन चूंकि इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्मेट में लिखा गया है तो हम उसमें ये हिसाब रखते हैं कि वाटर नेसेंट ऑक्सीजन तो जरूर दिखाएंगे, वाटर हस्बे जरूरत है, अगर जरूरत है तो दिखाएंगे, नहीं है तो नहीं दिखाएंगे। तो कभी कभी ऐसा होगा कि इनकी जरूरत नहीं होगी और कभी कभी ऐसा होगा कि इनकी जरूरत होगी। तो अब ये जो हमारे सामने हमने आपके सामने लिखा है ये है अल्कीन का रिएक्शन। तो अब अल्कीन नेसेंट ऑक्सीजन, ये जो ब्रैकेट में ओ करके लिखा है दिस मींस नेसेंट ऑक्सीजन, और जो हमारे पास पानी हमने जैसे का बैलेंसिंग के लिए लिखा, तो अब हम करेंगे सिर्फ इतना कि जो KMnO4 होगा उसे एरो पर शो करेंगे। Which is now for oxidation. बनेगा क्या, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और दोनों कार्बन की जो एक एक वैलेंसी खाली होगी, चूंकि ये ऑक्सीडेशन है, दोनों ऑक्सीजन से मिलेंगे, कैसे, OH की सूरत में, दोनों कार्बन के साथ OH लगेगा।
तो एक ऐसा कंपाउंड बन जाएगा जिसके दो कंसेक्यूटिव कार्बन्स पर ओएच ग्रुप होगा, और जिन कंपाउंड्स में दो दो ओएच ग्रुप होते हैं आईयूपीएसी में वो कहलाते हैं डायोल, ये हो गया अल्केन डायोल, और कॉमन नेमिंग में उन्हें कहा जाता है ग्लाइकॉल। तो तमाम अल्कीन्स अपॉन ऑक्सीडेशन विद KNO4 अल्कलाइन विल गिव्स यू ग्लाइकॉल्स। तो अब अगर मैं एग्जाम्पल बनाऊं और अपने सामने रखूं, पहली एग्जाम्पल विच इज इथीन, तो इथीन नेसेंट ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ KNO4 पोटेशियम परमैंगनेट विच इज आवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करके क्या बना रहा है, उसका डबल बॉन्ड खत्म कीजिए और दोनों कार्बन के साथ एक एक OH लगा दीजिए। तो ये कंपाउंड IUPAC में कहलाएगा 1,2 ईथेन डायोल या ईथेन 1,2 डायोल, और कॉमन नेमिंग में कहलाएगा इथाइलीन ग्लाइकॉल। अब अगर मैं इसमें हायर अल्कीन्स में जाऊं और प्रोपीन से रिएक्शन शो करूं, तो अब आप हिसाब लगाइए, सोचिए क्या होना चाहिए। जिन दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है उन दोनों कार्बन्स का डबल बॉन्ड खत्म होगा और उन्हीं दोनों कार्बन्स के साथ OH ग्रुप लगेगा। जो तीसरा कार्बन CH3 था जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व हुए हैं और ये जो चीज बनी है मेरे ख्याल में सब पहचानते हैं, 1,2 प्रोपेन डायोल, जिसको हम कॉमन नेमिंग में कहेंगे प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल। ये हो गया जनाब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन का रिएक्शन। अब आते हैं इस रिएक्शन की दूसरी अहमियत पर। ये रिएक्शन बड़ा अहम है और मेरा नहीं ख्याल आज तक कभी भी ऐसा हुआ हो कि ये इम्तिहान में ना पूछा गया हो। पूछने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, पूछा जरूर गया, एक ही नंबर का है, फिर वही बात याद दिला दूं, एक एक नंबर की ही चीजें हैं बहरहाल, लेकिन उसमें भी जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत रेगुलरली पूछी जाती है हमें पता होनी चाहिए। इसकी एक अहमियत और है और वो अहमियत अब गौर से सुनने वाली है। KNO4 के लिए मैंने आपसे कहा ये पर्पल कलर का कंपाउंड है, डार्क पर्पल कलर का, इसका सोल्यूशन बनाए तो डार्क पर्पल कलर का सोल्यूशन बनता है। जब ये रिएक्शन करके किसी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है और खुद भी अपने आप को रिएक्शन में खत्म कर लेता है तो क्या होगा, इसका पर्पल कलर भी खत्म हो जाएगा। जब ये खुद खत्म हो जाएगा तो कलर भी खत्म हो जाएगा ना भाई। तो हम ये देखेंगे कि एक पर्पल कलर के कंपाउंड ने रिएक्शन किया और उसका कलर आपकी आंखों के सामने से गायब। तो इस रिएक्शन में एक विजिबल या फिजिकल चेंज ये नजर आती है कि हम एक कंपाउंड को गायब होते हुए देखते हैं, उसका कलर गायब हो जाता है। इस बात की बड़ी खास अहमियत है और वो अहमियत ये है कि इम्तिहान में हमें एक और सवाल दिया जाता है, एक और फॉर्मेट है क्वेश्चन का, और वो ये है कि वो हमसे सवाल करते हैं कि गिव द सिंपल केमिकल टेस्ट ऑफ अल्कीन, यानी कुछ कंपाउंड्स के केमिकल टेस्ट पूछे जाते हैं। लैंग्वेज ये होती है क्वेश्चन की कि आप ऐसा केमिकल टेस्ट बताइए जिससे हम अल्केन और अल्कीन में फर्क कर सकें। गिव The simple chemical test to distinguish between alkane and alkene. अब इस सवाल का ये मतलब नहीं है कि आप ये कह दें कि अल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, अल्कीन में डबल बॉन्ड। इस सवाल पर गौर कीजिए। इस सवाल का मतलब है कि वो आपसे ये कह रहे हैं कि फर्ज कीजिए आप लैब में खड़े हैं और हमने आपको दो टेस्ट ट्यूब्स में सोल्यूशन दे दिया ट्रांसपेरेंट। हमने आपसे ये कहा है कि एक टेस्ट ट्यूब में अल्केन है और एक टेस्ट ट्यूब में अल्कीन है, आप बताइए किसमें अल्केन है और किसमें अल्कीन है। तो आप उस वक्त ये कहेंगे कि सर टेस्ट ट्यूब में झांक के देख लें, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा वो अल्केन होगा और जिसमें डबल बॉन्ड होगा वो अल्कीन होगा। ये बॉन्ड तो नजर नहीं आते ना, ये जो फर्क है ये फर्क बिल्कुल सही है लेकिन ये थ्योरेटिकल डिफरेंस है, प्रैक्टिकल थोड़ी है, ये आंखों से थोड़ी दिखता है। आप ये कह रहे हैं कि सर जिसका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा वो अल्केन होगा, ये बात सही है जिसका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो वो अल्केन होगा, लेकिन ये मेरी आंखों से थोड़ी नजर आता है।
इसका मतलब है जब मैं ये बात कहूं सिंपल केमिकल टेस्ट, तो आप अल्कीन की कोई ऐसी प्रॉपर्टी या अल्कीन की कोई ऐसी प्रॉपर्टी चेक कीजिए जो आंखों से नजर आती हो, उनका कोई ऐसा रिएक्शन करवाइए जो आंखों से नजर आता हो। ये बिल्कुल वैसी मिसाल है जैसे हम आपसे कहें गिव द सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। तो अगर मैं कहूँ एसिड और बेस के दरमियान डिफरेंस कीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि एसिड और बेस जो है उसमें लिटमस पेपर या इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। एसिड में लिटमस पेपर रेड हो जाता है और बेस में लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। तो ऐसा कोई टेस्ट लाइए जो एक तो इंतहाई सिंपल हो, करने में बहुत ही आसानी हो, और उसमें फौरन पता चल जाए कौन सा केमिकल क्या है। अगर मैं आपके सामने दो टेस्ट ट्यूब्स रख दूं और एक में एसिड एक में बेस में पूछूं कौन है, तो आप ये थोड़ी कहेंगे जिसमें एच प्लस होगा वो एसिड होगा, आप फौरन कहेंगे लिटमस पेपर लाओ और दोनों में डाल देंगे। जिसमें जाकर लिटमस पेपर रेड हो गया वो एसिड, जिसमें जाकर ब्लू हो गया वो बेस। ऐसी रिएक्शन हमें चाहिए अल्केन और अल्कीन के लिए भी, जिसमें ऐसा कुछ हो कि कलर चेंज हो रहा हो और हमें पता चल जाए कि कौन क्या है। तो ये जो अब आपने इतने सारे रिएक्शंस पढ़े हैं, इसमें सिर्फ दो रिएक्शंस ऐसे थे जिसमें कलर इन्वॉल्व था, और मैंने खासतौर पर उनका तस्करा किया। ब्रोमीन वाटर जिसका कलर था ऑरेंज, और केमनोफोर जिसका कलर है पर्पल। ये दोनों चीजें अल्कीन से रिएक्शन करती हैं और अपना कलर गायब कर देती हैं, खत्म कर देती हैं, और ये दोनों चीजें अल्केन से रिएक्शन नहीं करती। अल्केन में था ही नहीं ऐसा कोई नाम। इसका मतलब है अगर वो सवाल पूछे कि आप हमें बताइए अल्केन और अल्कीन में कैसे फर्क करेंगे, अगर हम इन दोनों का सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब में डालकर आपको दे दें, तो आप ये कहेंगे कि आप दोनों टेस्ट ट्यूब्स में केमनोफोर के ड्रॉप्स डालेंगे जो पर्पल कलर के होंगे। जिस अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्कीन होगा उसमें जाकर वो पर्पल कलर गायब हो जाएगा, क्योंकि वो अल्कीन से रिएक्शन करके खत्म हो जाएगा, और जिसमें अल्केन होगा उससे तो केमनोफोर रिएक्शन ही नहीं करता, तो उसका पर्पल कलर जैसा है वैसा ही रहेगा। तो जिसमें जाकर कलर गायब ना हो वो अल्केन, और जिसमें जाकर कलर गायब हो जाए वो अल्केन। सेम यही कहानी ब्रोमीन वाटर से भी लिख सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन है कि ऑरेंज कलर का ब्रोमीन वाटर अल्केन में भी डालिए, अल्कीन में भी डालिए। अल्कीन में जाके ब्रोमीन वाटर का कलर गायब हो जाएगा, क्योंकि अल्कीन और ब्रोमीन वाटर आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करके वो अपने आप को खत्म कर लेते हैं। लेकिन ब्रोमीन वाटर अल्केन से जाकर कोई रिएक्शन करता ही नहीं है, तो जैसा है वैसे ही पड़ा रहेगा। तो अब ये मुनासिब तरीके की लैंग्वेज के साथ इसका जवाब हम लिखते हैं ताकि आपको बताएं, ये मुस्तकिल सिलसिला होगा। ये भी हम अल्केन और अल्कीन ही पढ़ा है, तो हम इन दोनों का टेस्ट बता रहे हैं, आगे जो जो चीजें पढ़ते जाएंगे सबके टेस्ट बताने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होगी, गिव द सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब एक सवाल पूछने का तरीका हम ऐसे पूछें अल्कीन एंड अल्कीन जनरल अंदाज, और दूसरा तरीका एग्जाम्पल देकर इथेन एंड इथीन। जवाब एक ही है, नाम चेंज हो जाएंगे। ऐसे देखा जाए तो प्रोपेन एंड प्रोपीन, ब्यूटेन एंड ब्यूटीन बहुत बन सकते हैं। तो जवाब एक ही है और वो जवाब हम अल्केन एंड अल्कीन के हिसाब से लिखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि और बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब सवाल पूछा गया, बताइए अल्केन और अल्कीन में सिंपल केमिकल टेस्ट कैसे किया जाएगा। तो हम कहेंगे इफ वी एड अल्कलाइन KMnO4 solution which is purple in color in both the samples of alkenes and alkenes, it will remain colored in alkene but will decolorized in alkenes
due to following reaction. और चूंकि एल्केन एल्कीन पूछा गया है जनरल, तो आप इक्वेशन भी जनरल लिखेंगे, अभी तो लिखिए. ये हो गया. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली दफा हम आपसे एक ऐसा रिएक्शन लिख रहे हैं जिसमें कुछ वर्डिंग लिखी और वो वर्डिंग इक्वेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यानी मेरी नजर में तो दोनों चीजों को लिखना जरूरी है, लेकिन हमारे साथ कुछ एग्जामिनर जैसे बोर्ड में है, वो कहते हैं अगर फर्ज करें बच्चा इक्वेशन में गलती कर दे तो भी दे दो नंबर, लेकिन वर्डिंग में अगर उसने गलती की और इक्वेशन सही लिखी है जीरो नंबर. ये वर्डिंग सबसे अहम है क्योंकि ये असल जवाब है. और इसमें अब मेरी वर्डिंग फॉलो करें या अपनी तरफ से लिखें कोई मसला नहीं, लेकिन ये पॉइंट मेंशन होना चाहिए कि अल्कलाइन KMnO4 पर्पल कलर का था, मैंने उसे एल्केन और एल्कीन दोनों में डाला, एल्केन में जाके उसका कलर गायब नहीं हुआ और एल्कीन में जाके उसका कलर गायब हो गया. ये बात मेंशन होनी जरूरी है कि इट विल रिमेन कलर्ड इन एल्केन्स एंड बिकम्स डीकलराइज इन एल्कीन. असल पॉइंट ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एल्कीन है जिसमें KMnO4 का कलर गायब हो जाए, जिसमें KMnO4 का कलर ऐसे ही पड़ा रहेगा वो एल्केन है. तो ये उसकी इक्वेशन है. फर्ज कर लें आप यही जवाब इसके लिए लिखें इथेन एंड इथीन, तो सिर्फ नाम ही तो चेंज करने होंगे. आपकी लैंग्वेज हो जाएगी इफ वी एड अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन व्हिच इज पर्पल इन कलर इन बोथ द सैंपल्स ऑफ एल्केन एंड एल्कीन्स, की जगह हो जाएगा इथेन एंड इथीन. इट विल रिमेन कलर्ड इन इथेन बट विल डीकलराइज इन इथीन ड्यू टू द फॉलोइंग रिएक्शन. तो इक्वेशन इथीन की लिख दीजिएगा, दैट्स इट. यही काम आप चाहें तो ब्रोमीन वाटर के साथ भी लिख सकते हैं, वो पर्पल की जगह ऑरेंज कलर का होता है. तो लैंग्वेज में सिर्फ KMnO4 की जगह ब्रोमीन वाटर का नाम आ जाएगा कि इफ वी एड ब्रोमीन वाटर व्हिच इज ऑरेंज इन कलर इन बोथ द सैंपल्स ऑफ एल्केन एंड एल्कीन इट विल रिमेन कलर्ड इन एल्केन एंड बिकम्स डीकलराइज्ड इन एल्कीन. बस फर्क यह है कि वहां इक्वेशन ब्रोमीन वाटर की लिखनी पड़ेगी, वो तीन तीन है बस. इसलिए जब बच्चे को ऑप्शन